दोस्तों एक बार फिर से देखो देखो आपके लिए लेकर आए हैं सबसे पहले खबर। जैसा कि हमने आपको दो ही दिन पहले बता दिया था कि हाउसफुल 4 का अगला गाना आने वाले 2 दिन के अंदर रिलीज होगा, यानी कि आज तक। तो दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आ गई है और जैसा कि हमने आपको बताया था, हाउसफुल 4 का गाना अब रिलीज होने वाला है। उसका आज ही नया पोस्टर रिलीज किया गया है जो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है। ये गाना होने वाला है द भूत सॉन्ग और ये कल रिलीज किया जाएगा। ये पोस्टर वाकई में धमाकेदार लग रहा है। इस गाने के अंदर खास बात ये होगी कि अक्षय कुमार एंड टीम के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस गाने के अंदर हमें दिखाई देंगे। पोस्टर वाकई में काफी लाजवाब ये लग रहा है। इस गाने पर अक्षय कुमार ने कैप्शन दिया, अब ये गाना भूल से भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कैच द लेटेस्ट ट्रैक ऑफ हाउसफुल 4 टुमारो, यानी कि दोस्तों कल हम सबके सामने ये भूत सॉन्ग आने वाला है जो काफी जबरदस्त अंदाज में हमें पेश होते हुए दिखाई देगा। ये गाना वाकई में मजेदार होने वाला है। दोस्तों आप इस गाने के लिए कितना एक्साइटेड है? दोस्तों हमने आपको ये खबर सबसे पहले दी थी, इसलिए वीडियो पे लाइक तो बनता है और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें देखो देखो। अगर आपको यकीन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको उस खबर की लिंक दे रहे हैं जहां पर हमने आपको गाने से जुड़ी अपडेट दी थी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही दोस्तों ये बता दें, इस गाने की खास बात ये होने वाली है कि एक डांसिंग ट्रैक होगा और फनी अंदाज में होगा। इससे पहले हाउसफुल 4 के 2 गाने चुम्मा सॉन्ग और बाला सॉन्ग चार्ट बस्टर लिख में शामिल हो गए। जैसा कि खास तौर पे बाला सॉन्ग ने तो तहलका मचा दिया, हर किसी ने बाला चैलेंज पूरा किया और अक्षय कुमार की फिल्म का ये गाना नंबर 1 ट्रेंड पे आ गया था। इससे पहले चुम्मा सॉन्ग भी यूट्यूब पे लगभग 40 मिलियन व्यूज अब तक हासिल कर चुका है और भी तेजी से वो आगे बढ़ रहा है। हाउसफुल 4 के ट्रेलर और दोनों गाने पहले सुपर डुपर हिट हो चुके हैं। देखना होगा ये तीसरा गाना द भूत सॉन्ग कितना ज्यादा मजेदार होता है। इस गाने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आने वाली हर गाने की अपडेट, हर मूवी की अपडेट, हर ट्रेलर कलेक्शन की अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।